Hey children, so in our last session, we read about sign language. Okay, so we were discussing this topic and I told you the difference between deaf and hearing impaired. I told you ki we have a machine known as hearing aid, jo kya karti hai sound ko, it makes louder, it amplifies. और इट इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड. नॉर्मली वो आवाज़ को और बढ़ा देती है. बट मैंने बताया था ये उन्हीं लोगों के लिए यूज़फुल है जिन्हें कम सुनाई देता है, राइट. देन इन द एंडिंग आई डिस्कस्ड दैट देयर आर अ फ्यू पीपल जिन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, दैट यू से कंप्लीट डेफ, उन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता है. अभी उनकी जब सुनाई ही नहीं देता है, साउंड इज़ ओनली नॉट एनालाइज्ड इन देयर ब्रेन, तो आपका हेयरिंग एड इट इज़ ऑफ नो यूज टू सच पीपल. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द अदर सॉर्ट ऑफ पीपल हु यूज़ दिस साइन लैंग्वेज. डेफ पीपल यूज़ करते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता उनको हम थ्रू our actions, okay, we are going to tell them what we want to convey. और इसके अलावा कौन ऐसा होता है जिसे sign language की ज़रूरत होती है children? What are those people? They are the people who cannot speak. देखो जो deaf था उसको तो हमने इशारों में समझाया तब वो समझ गया. अब जो खुद बोल नहीं सकता वो हमें अपनी बात कैसे समझाएगा? कैसे समझाएगा चिल्ड्रन? थ्रू साइन लैंग्वेज, राइट. दे आर नोन एज म्यूट. व्हाट आर दे नोन एज? दे आर नोन एज म्यूट. व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल? हु कैन नॉट स्पीक, उनको हम म्यूट कहते हैं. हियर इट इज, ओके, आई हैव अंडरलाइंड इट फॉर यू. म्यूट कहते हैं. क्यों कहते हैं? देखो हमारे टीवी के रिमोट में भी चिल्ड्रन You might have noticed that there is an option known as mute option. Mute means no sound, soundless. So there are people who cannot speak, they are known as mute. They communicate through sign language. How do these mute people communicate? They communicate through sign languages. वो sign languages use करके communicate करते हैं. कौन से पीपल? म्यूट पीपल. और फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल कौन से थे दैट यूज्ड साइन लैंग्वेजेस? दैट वर योर डेफ पीपल. एंड वन वाज अनदर क्लास ऑफ पीपल नोन एज पीपल हु हैव हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स. वो क्या करते थे? दे यूज्ड हेयरिंग एड्स, राइट. तीनों टाइप्स की डिसेबिलिटीज वी हैव डिस्कस्ड. नेक्स्ट इज In sign language, hand signals represent words. What are your hand signals, children? Okay, one minute. Yeah, here. In sign languages, your hand signals represent words. So I asked you, what are your hand signals? आपको भूख लगती है, right? So you just point towards your stomach. And you say, and then you point towards your mouth. So what does this mean? This means you are hungry, right? What else you do? और आप क्या करते हो? अपने हैंड से कौन से सिग्नल्स बना लेते हो किसी को कुछ बोलने के लिए? कई सारे सिग्नल्स. चलो एनालाइज, आप अपनी लाइफ में भी हाउ मेनी सिग्नल्स डू यू मेक, हैंड सिग्नल्स कम्युनिकेट करने में, right? So mute people, what do they do? Mute people also use the method of lip reading. What is lip reading, children? When you speak, your lips move along with your words, like your words are in synchronization with your moving lips, right children? अब जैसे जैसे बोलते हो आपके होंठ भी उसी words की shape में move करते हैं. जैसे आपने कोई भी वर्ड प्रोनाउंस किया तो आपके लिप्स देख के
अ पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ लिप रीडिंग इट कैन टेल व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, या फिर स्पीकर का मूवमेंट देख के भी, स्पीकर्स मूवमेंट ऑफ लिप्स टू सी व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। लिप रीडिंग में क्या होता है, पर्सन हु कैन नॉट हियर सिंपली वो आपके लिप्स का मूवमेंट देखता है, स्पीकर की लिप्स का मूवमेंट देखता है एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड आप क्या बोल रहे हो। ओके, इन आवर नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेकिंग केयर ऑफ एल्डर्स।